और 2024 का जो चुनाव है इसका हम बहिष्कार करेंगे। इस सरकार ने तो हमारा सब बनाया बनाया सब चौपट कर दिया, सारा कुछ बेच डाला, पूरा प्रदेश ही बेच डाला। गढ़वाली में कहावत है उंडा फुंडा चूल्हा फुंडा चूल्हा फुंड उंड फुंड। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका कल ही एक बयान आया है कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो माओवादी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये उनकी माँ भी क्या माओवादी थी? एक बार हम तब भी आए थे हल्द्वानी जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई थी, और आज भी हम हल्द्वानी की धरती पर आ रखे हैं मूल निवास के। कितना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि आज भी हम लोग सड़कों पर हैं। सरकार का कहना है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं राज्य में रोजगार के लिए, कि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट इससे रुकेगा नहीं? कहीं ना कहीं अगर हम लोग ज्यादा आंदोलन करें तो मूल निवास और भू कानून को लेकर, इससे बाहर का जो इन्वेस्टर है वो यहाँ आने से डरेगा। 1950 मूल निवासी का मतलब सिर्फ नेगी, एहरी, धामी, खंडूरी, कुकरेती, बिस्ट, थपलियाल, ये नहीं है। मूल निवासी यहाँ का खान, काजी, चीमा, जो उत्तराखंड की सीमा का भीतर, थापा, गुरंग, चंद्रशेखर भट्ट, काजी, मोहिद्दीन, ये सब मूल निवासी हैं। इसको पहाड़ी और मैदानी में भटका है। उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए 40 से अधिक लोगों ने अपनी शहादत दी, और लगातार जो आंदोलनकारी थे, चाहे वो खटीमा का कांड हो या फिर मसूरी गोली कांड हो, तमाम ये राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्र हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रीमती बिमला बोगरा, आंदोलनकारी ऋषिकेश। कहाँ से आए हैं आप? हम ऋषिकेश से आए हैं। पहले आपको मालूम होगा, हम हल्द्वानी की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने भू कानून और मूल निवास की वजह से अपनी आवाज उठाई है और जन जन को चेतना दी है। जन जन सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं और मैं आशा करती हूँ ये इस तरह से हमारा आंदोलन चलता रहे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम ये आंदोलन आगे हमारा चलता रहेगा। लेकिन ये हमारे एक व्यक्ति का नहीं है, ये युवा वर्गों के लिए ज़्यादा मुख्य है। जो युवा वर्ग की जो यहाँ पे भू कानून और मूल निवास है, हमारी जो पैतृक संपत्ति थी, हमारी पितरों की संपत्ति थी, हमारा अपना मूल निवास था, इसे खत्म हो रहा। ये बाहर के लोग यहाँ पे भ्रष्टाचारी लोग, उत्तराखंड में जब हमारा उत्तराखंड बना 2000 में, तो इन्होंने विश्वास दिलाया था हम तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे और तुम्हारे उत्तराखंड को विकास की तरफ लगे। आप राज्य आंदोलनकारी भी हैं और आपने उस आंदोलन को देखा भी होगा, उस आंदोलन किस तरह से राज्य को लेने के लिए आप लोगों ने उस समय आंदोलन किया था? तो उसमें तो ये कि नारा था लोगों का कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है वो जागेगा, उनका विकास होगा, यहाँ की सारी विकास होंगे यहाँ पे, और बाहर नहीं, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज क्या बैल शहादत देने के बाद भी आज उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है कि आप सरकार ये अपने कानों में रुई डाल के आंखों में पट्टी बांध के बैठी हुई है। जनता ने एकजुट होकर उनको कुर्सी में बिठाया था। राजा का दायित्व होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा करना। यहाँ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, बाहर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने उत्तराखंड का क्या क्या बिना विकास की जगह विनाश कर दिया है। लेकिन ये जन जन की आवाज़ है, जन जन के समूह के, हमें कोई पार्टी से नहीं है, हमें अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाना है। और 2024 का जो चुनाव है इसका हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है आज सारे जगह के लोग, सारे उत्तराखंड की जो है आज हल्द्वानी में एकत्र होकर के यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं। जो यहाँ पे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं वो भी उत्तराखंडी है, उन्होंने अपने जुनून को एक राक्षस की तरह क्रूर, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं की जात जो अत्याचार हो रहा है इसको नहीं, इनका यही है मारो और ऐश करो, मारो और ऐश करो। आपका क्या नाम है मैम? मेरा सरोजनी थपलियाल है। कहाँ से आए आप? मैं ऋषिकेश से आई हूँ, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। मूल निवास और भू कानून की रैली को लेकर आप हल्द्वानी में एकत्रित हुए, किस तरह से आप देखते हैं कि राज्य की मांगों को लेकर आप लगातार आंदोलित हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो 94 में हमने प्रदेश के लिए लड़ाई करी थी कि अपना प्रदेश होगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारा मूल निवास होगा, हमारा घर बार होगा, सब चीज़ होगा, हमारे बच्चों को ऐसे दर बेदर नहीं भटकना पड़ेगा जैसे कि आज आप देख रहे हो कि हमारा बच्चा तब भी सड़क में था, आज भी सड़क में है। अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा मूल निवास होना चाहिए, हमारा 1950
हमारा जो हिमाचल की भांति वैसा ही हमारा पूरा रूल रेगुलेशन होने चाहिए। बाहर का आदमी यहाँ कोई आके हमारे अधिकार पे हमारे अधिकारों का हनन ना करे। इस सरकार ने तो हमारा सब बनाया बनाया सब चौपट कर दिया, सारा कुछ बेच डाला, पूरा प्रदेश ही बेच डाला। गढ़वाली में कहावत है उंडा फुंडा चूल्हा फुंडा चूल्हा फुंड उंड फुंड, मतलब हम लोग तो बाहर हो गए, हम स्थायी निवास हो गए जो मूल है, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ के मूल बना दिए गए हैं उनको। वो 2 साल 3 साल रहते हैं उनका स्थायी निवास बना के उनको नौकरी मिल जाती है। हमारे ये सारे बच्चे बेरोजगार हैं। क्योंकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका कल ही एक बयान आया है कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो माओवादी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी माँ भी क्या माओवादी थी? उनकी माँ ने भी आंदोलनकारी थी। इंदिरा नगर में रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो किस बात का घमंड हो गया? मैं तो ये कहूंगी कि भाई साहब मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, अभी भी संभल जाओ। जैसे वो टनल में वो देवता ने क्या किया था, नाक और चने चबा दिए थे धामी जी के और सारे लोग सुरक्षित आए जब उन्होंने उनके चरणों में पड़े, तो ऐसा ही उत्तराखंडी है, ये देव भूमि है, ये चने चबवा देगी, कुर्सी पानी इतनी आसान हो गई इनको, ये मिनटों में नीचे आ जाएंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए जय भारत जय उत्तराखंड। आपका क्या? मैं सरोजना भट्टू राज आंदोलनकारी और आंदोलनकारी मंच से बोल रही हूं। आंदोलनकारी मंच हमेशा इस आवाज को उठाता रहा है और हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य तो लिया, लेकिन आज भी हमें पता नहीं लग रहा है हमारा राज्य मिल गया। आज जो नेताओं के लिए राज्य बना, हमारा युवाओं के लिए रोजगार नहीं हुआ, हमारा उत्तराखंड का कोई विकास नहीं हुआ है। और आज हमें सशक्त भू कानून 1950 मूल निवास 1950 सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पर, हम तो धन्यवाद देते हिमाचल के मुख्यमंत्री को जो चौहान जो थे जिन्होंने अपने राज्य को बचाया, लेकिन आज हमारे नेताओं ने राज्य को लूट के अपना घर बचा रहे हैं वो, और राज्य नीति नहीं कर रहे, राजनीति कर रहे हैं वो अपने राज्य के लिए। और एक बार हम तब भी आए थे हल्द्वानी जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई थी, और आज भी हम हल्द्वानी की धरती पर आ रखे हैं मूल निवास के। कितना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि आज भी हम लोग सड़कों पर हैं, हमें पता ही नहीं राज्य मिला कि नहीं मिला, लेकिन आज हम लोगों ने तो कसम तब भी खाई थी कि जब तक हमारे मूल निवास नहीं मिलेगा और हमें जिस उत्तराखंड की जरूरत वो नहीं मिला तो हम सड़कों पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नरेश चंद्र भट्ट। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आए? मैं इधर हल्द्वानी इधर प्रॉपर पिथौरागढ़ का। आंदोलित हैं भू कानून मूल निवास को लेकर, क्या मांगे हैं थोड़ा सा इसके बारे में? हमारा वही है, हम ये काफी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच आज से नहीं, बहुत पहले से इस पे संघर्ष कर रहा है। तो ये है कि आज देहरादून से भी हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है मंच की। हमारा यही है कि जो हम मूल निवासी हैं, तो हमारा मूल निवास है भू कानून मूल निवास जो हमसे चिना गया है उसको जो है हमें दिया जाए, यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। आज देख रहे हो, आप खुद ही देख रहे हो, सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम अगर आप अपनी आवाज़ मूल निवास के लिए नहीं उठाएंगे, आने वाला जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य है, वो बहुत चिंतनीय है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है जो हमारा मूल निवास है उसको लागू किया जाए। आपका क्या? मैं प्रदीप कुकरेती, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच प्रदेश प्रवक्ता। आप राज्य आंदोलनकारी हैं? जी। आंदोलन के दौरान किस तरह से आप लोगों ने उत्तराखंड को लिया, थोड़ा उसके बारे में? उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उस समय मैं आईटीआई करता था, ड्रासूम मैकेनिकल, और मेरा मुझे गौरव है कि मुझे उस राज्य की लड़ाई में प्रतिभाग करने का मौका मिला, और मैं अपने वरिष्ठों के साथ, खासकर जो लोग मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई, कई लोग शहीद हो गए, मेरे वरिष्ठ जो शहीद हो गए, और जो आज जो कई मातृशक्ति हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सबसे बड़ी जेल जाने वाला कोई है जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मुझे उस राज्य आंदोलन में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, और वही कारण है कि वो एक भावना मेरे अंदर है जिसके लिए हम राज्य बनने के बाद 2002 में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच बनता है, और लगातार राज्य आंदोलनकारियों की ही नहीं, राज्य हितों को लेकर हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। मूल निवास, भू कानून, परिसीमन, लगातार स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम चीज़ों को लेके, रोजगार को लेके हम लोग लामबंद रहे। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो तिवारी सरकार से लेके आज अभी हम लगातार अंतिम सांस तक हम अपने राज्य के संघर्ष को ले लामबंद रहेंगे, और जो लॉ हमने जलाई है, मुझे खुशी है कि कुछ युवा देर से जागे लेकिन जागने लगे हैं। सरकार का कहना है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं राज्य में रोजगार के लिए,
कि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट इससे रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम लोग ज्यादा आंदोलन करें तो मूल निवास और भू कानून को लेकर, इससे बाहर का जो इन्वेस्टर है वो यहाँ आने से डरेगा? जितनी भी सरकारें प्रदेश के अंदर आई हैं सबने यहाँ प्रयोग करने का काम किया है, इसको प्रयोगशाला बनाया, चाहे इन्वेस्टर के नाम पे, भू कानून के नाम पे, मूल निवास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, तमाम प्रयोग यहाँ किए गए। मैं ये कह रहा हूँ कि हिमालयी राज्यों में जो हमारी 7 बहनें हैं उसमें ये हमारा उत्तराखंड भी था, मिजोरम, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उनके साथ जब वो है तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो कहीं ना कहीं राज्य को उस दिशा में काम सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा। अब रही बात इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या हिमाचल में उद्योग नहीं है? क्या हिमाचल में रोजगार नहीं है? हिमाचल में सब चीज़, हरियाली भी है, रोजगार भी है, सब कुछ है, पूरा बरकरार है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी साथ ही राज्य बने थे जबकि वहाँ पर 1950 मूल निवास लागू है। देखिए ये सारी चीज़ें हमारा, मुझे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, राज्य बनने के बाद हमारे राजनेताओं में अपरिपक्वता थी। अगर हम लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व होते, हम अपनी स्थायी राजधानी देते, हम अपनी नीतियां बनाते, हम अपने रोजगारों के लिए नीति बनाते, हम अपने मूल निवास की नीति बनाते, हम अपने भू कानून की नीति बनाते, हम अपने फल संरक्षण की नीति बनाते, हम अपना लैंड बैंक बनाते, हम अपने वन नियम कानून अधिकार अपने हाथों में लेते, लेकिन जो पुराना जो उत्तर प्रदेश के ज़माने में था तब हमें ज़्यादा सुविधाएं मिल रही थी। अब केवल अंतर इतना है कि हम 4 फरलांग पे जो है अपने सचिवालय विधानसभा जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है दल जो है वो दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं। उसमें मैं अपने नेताओं की गलती नहीं मानता, क्योंकि कई लोग अभी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हमने 42 शहादत देने के बाद इस राज्य को लिया है, हमारी मातृशक्ति ने अपमान झेलने के बाद और चूल्हा चौका छोड़ के जो सड़कों पे आई, हमारे जैसे युवाओं के लिए आई थी वो, कि रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन बचेगा, हमारे तमाम हमें गर्व था अपने जो है खनन पे, कि हमारे यहाँ दुनिया भर का हमारे यहाँ खड़िया होता है, खनन होता है, तमाम चीज़ों को हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन वो चीज़ें आज केवल ब्यूरोक्रेसी, कुछ ब्यूरोक्रेसी और कुछ राजनेताओं की जेब के लिए वो आय का साधन बन गई है। हम लोग संघर्षशील लोग हैं, संघर्ष करते रहेंगे, अपने हक को जब हम राज्य लड़ सकते हैं तो ये हमारे अपने लोग हैं, इनसे हम खींच के वो चीज़ें वापस ले लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता जुयाल है। कहाँ से आई? देहरादून से। आपने एक आपके हाथ में जो चीज़ है, ना दिल्ली ना देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, बताइए भू कानून के बारे में। ये जी मैं कहना चाहूँगी कि जो भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी राज्यों के लिए स्पष्ट नियम है कि जो कृषि भूमि है वो कृषि उपयोग के लिए नहीं खरीदी जा सकती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जल जंगल जमीन सब कुछ बिक चुका है। ठीक उसी प्रकार से मूल निवास 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय यही नियम आया था, संवैधानिक नियम है कि जो जिस राज्य में रहता है वो उस राज्य का मूल निवासी होगा। इसीलिए हम लोग मूल निवास 1950 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो नियम हुआ था कि मूल निवासी जो जहां रहता है वो वहां का मूल निवासी होगा, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा मूल निवास खत्म कर दिया गया है और ईसाई निवास जारी कर दिया गया है। इसका मतलब जो कल का आया हुआ व्यक्ति भी है उसका भी ईसाई निवास है और हमारा भी, इसका मतलब उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं भू कानून मूल निवास की, क्योंकि हमारे अधिकारों पे डाका डाला गया है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जो मातृशक्तियाँ हैं या जो भी भाई लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए है, उनकी जो क्या कहते हैं कल्पना थी कि इस राज्य के लिए कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, हमें हर चीज़ में आरक्षण मिले एक मूल निवासी होने के नाते, उसको किस तरह से ख़त्म कर दिया गया। आपका क्या नाम? मैं उत्तराखंड राज्य अनुकारी हूँ और ये जो मंच है अनुकारी मंच, इसका मैं प्रदेश महासचिव हूँ, रामलाल खंडूरी। क्या है आप लोगों के अंदर अभी मूल निवास और भू कानून को लेकर? ऐसा है जैसे शब्द है मूल निवास 1950, दो शब्द है ना, मूल निवासी और 1950, ये कहाँ से शब्द आए? संविधान से आए ना, हमने तो नहीं कहा 1950, किसने कहा है? भारत के संविधान प्रेजिडेंशियल ऑर्डर ने कहा है कि 1950 को जो जहाँ था वहाँ का मूल निवासी, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं है, ये हमारा इस सरकार से सवाल है। और 1950 मूल निवासी का मतलब सिर्फ नेगी, एहरी, धामी, खंडूरी, कुकरेती, बिस्ट, थपलियाल, ये नहीं है मूल निवासी। यहाँ का खान, काजी, चीमा,
जो उत्तराखंड की सीमा के भीतर थापा, गुरंग, चंद्रशेखर भट्ट, काजी मोहिद्दीन, वो सब मूल निवासी हैं। इसको पहाड़ी और मैदानी मन भटका है। जो उत्तराखंड की सीमा के अंदर आ गया वो यहाँ का मूल निवासी है। 1950 से जो जहरा वो मूल निवासी, उसके हक पे भी डाका है, काजी मोहिद्दीन के हक पे भी डाका है, सिर्फ खंडूरी के हक पे डाका नहीं है। उसी के हम जब हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम कहते थे कि भाई हमारी क्यों भी मूल निवास की नीति, युवा नीति, खेल नीति, पर्यटन नीति, ये सब हम तय करेंगे, हम ही तय करेंगे आपकी क्या गलत है। लेकिन जैसे ही राज्य बना, हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने ऐसा बरगलाया सरकारों को, हमारे कर्णधारों को, कि उन्होंने जहां हमारे साथ बने झारखंड छत्तीसगढ़ में आज भी मूल निवास 1950, बल्कि झारखंड तो हमसे एक कदम और पीछे 1932 चला गया, यहां आके कट ऑफ डेट 85 कर दी राज्य बनने से 15 साल पहले। अब हुआ क्या कि फिर भोगना जी को चुनाव लड़ना था, उन्होंने कहा यहाँ वोट चाहिए, उन्होंने एक करा के आदेश कराया और 2000 कि जो 2009 नंबर थे वो आया का मूल स्थाई नहीं, मूल निवासी ख़त्म कर दिया, शब्द ही खत्म कर दिया। अब क्या हो रहा है, जो वहाँ से आ रहा है 10 साल रह रहा है या किराए के बना रहा है स्थायी निवास, अब रहने वाला झारखंड का या राजस्थान का, श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में 25 राजस्थान के लोगों ने स्थायी निवास और नर्सिंग की नौकरी खा गए, हमारा मुंह देखता रह गया बच्चा। ये वहाँ पर एम्स में 600 राजस्थान, तो इनके स्थायी निवास बना कौन रहा है। जब ये कट ऑफ डेट 85 हो गई तो वो भी ख़त्म कर दी, और प्रदेशों में 1950 है। अब मोदी जी कहते हैं एक प्रदेश में दो कानून तो नहीं चलेंगे एक देश में, तो भैया सब जगह 1950 चलेगा और हमारे यहाँ 2000 चलेगा, तो दो कानून कैसे चलेंगे एक देश में। आप कहते हैं वोकल फॉर लोकल, मोदी जी का नारा हमने तो नहीं कहा, हम तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं मोदी, तो हम भी तो ये कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, धामी जी वोकल फॉर लोकल, मोदी जी की बात क्यों नहीं सुनते आप, वोकल फॉर लोकल बनो भाई, नहीं तो ये राज्य जो बनाया उसकी अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। भू कानून हमने तिवारी जी से बनवाया, खंडूरी जी से बनवाया, तिवारी त्रिवेंद्र जी ने 18 में बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया उसका। अब भू कानून जो हिमालय राज्यों में संविधान में व्यवस्था है फिर कि जो हिमालय बेल्ट है या हिमाचल है, अगर कोई यहाँ तक कि गुजरात में भी धारा 371 है कि अगर कोई सरकार अपने विशेष की भूमि बचाना चाहती है तो वहाँ धारा 371 ABCD ये व्यवस्थाएँ हैं, तो या तो कह दो उत्तराखंड हिमालय राज्य नहीं, हिमालय राज्य है ना, उत्तराखंड भी हिमालय राज्य, तो उत्तराखंड को हिमालय राज्य नहीं मानते क्या आप, यहाँ की ज़मीनें नहीं बचनी चाहिए क्या, तो यहाँ पर 371 क्यों नहीं लागू हो सकता, जो कानून था वो भी तुमने ख़त्म करा दिया। अब हालत ये हो गई कि आप कह रहे हैं UCC लाओ, अब UCC के पीछे उनकी मकसद बहुत अच्छी है, वो चाहते हैं जो यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उनका भी मकसद वही है UCC जो हमारा मकसद है मूल निवास भू कानून लाने का, जो तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो। वोट मिलते हैं ना सर UCC वोट, हाँ तो वो सरकार ले आ तो रहे हैं, लेकिन अब तराई में तो साफ हो रहे हैं ना, पिछला इलेक्शन देख लो BJP तराई कहाँ जीती है, BJP को तो पहाड़ियों ने जिताया, सारी पहाड़ियों ने एक तरफा वोट दिया तब बनी है, और तुम और आबादी डेमोग्राफी पहाड़ के कर दोगे तो तुम तो साफ। धामी जी तक 3 मुख्यमंत्री लगातार चुनाव हार चुके हैं मैदानी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के मौके कारण, खंडूरी जी, हरीश रावत जी, धामी जी, 3 मुख्यमंत्री सिर्फ इस डेमोग्राफी चेंज के कारण। इन्होंने भी मोह त्यागा पहाड़ का और मैदान में आए, उन्होंने कहा साले तुम पहाड़ में भी लड़ोगे यहाँ भी लड़ोगे, नीचे साफ कर दिया हम कहाँ जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, 3 मुख्यमंत्रियों को सीधे आपने नीचे किसने रहा है डेमोग्राफिक चेंज, तो अब उनको समझ में आ रहा है, धामी जी को समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे जो हम कहते थे मैं मूल निवासी हूँ तो इसको स्थायी निवास क्यों कहा जा रहा है, तो उन्होंने एक कदम अब यह कहा कि भाई जो पहले का मूल निवासी था उसका मूल निवासी रहेगा। लेकिन हम कह रहे हैं यार अब मैं तो मूल निवासी, मुझे तो जरूरत नहीं है, उम्र हो गई, लेकिन हमारे बच्चों को मूल निवासी बनाना है, उनको जो स्थान लाभ होता है मूल निवास का उनको बनाना है। अब होता क्या है, बाप तो मूल निवासी हो गया और बेटा स्थायी निवासी है, तो दो नीति कैसे चलेगी, बाप मूल निवासी बेटा स्थायी। तो अब हमारी मांग ये कि जैसे UP में आज भी मूल निवास बनता है, अन्य राज्यों यहाँ भी मूल निवास लागू होना चाहिए, और तभी यहाँ के जल जंगल जमीन और ये जो UCC की सफलता, भट्ट जी जो महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं UCC की मांग करो, हम भट्ट जी को कहना चाहते हैं UCC की सफलता का मार्ग मूल निवास भू कानून से होके ही जाता है। मूल निवास भू कानून लाओगे तो जो UCC का आपका मकसद है वही मूल निवास भू कानून, तो ये तीनों मिल जाएगी तिकड़ी, तो जिस मकसद के लिए आप UCC ला रहे हैं आपका मकसद साकार हो जाएगा। धन्यवाद आपका। तो तमाम लोग आपने देखा कि मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलित हैं, और उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच से तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई, और साथ ही ये भी बताया कि राज्य को उत्तर प्रदेश से जब इन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य की मांग की तो कितनी परेशानी इनको उस समय हुई, वो तमाम लोगों का जो दर्द था वो हमने आपको दिखाया। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो मूल निवास पर बनाई हुई है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में हम इस वीडियो को आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब उधर पहुंचा।